आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी और मामले को वापस हाईकोर्ट भेज दिया है। हम बात कर रहे हैं याचिकाकर्ता वकील शिव कुमार त्रिपाठी से, इन्होंने ही चिट्ठी लिखी थी चीफ जस्टिस को, जिसके बाद संज्ञान लेते हुए ये सारी कार्रवाई हुई है। त्रिपाठी जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, मतलब जमानत रद्द कर दी, अब कितने समय में सरेंडर करना होगा आशीष मिश्रा को? देखिए, आज जो पहली बार है न्याय की जीत हुई है कि एक जो है हाई प्रोफाइल केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है बेल कैंसिल करके लोगों को न्याय देने की बात रखी है। तो आज जो बेल कैंसिल हुआ, इसमें ये दिया कि एक हफ्ते के अंदर उनको जो है सरेंडर करना निचली अदालत में, एक्चुअली आशीष मिश्रा को, और उसके बाद वो समय तो नहीं निर्धारित किया, लेकिन उसके बाद वो अपनी बेल एप्लीकेशन फिर हाईकोर्ट में लगा सकते हैं। कोर्ट का ये भी कहना था कि जो भी चीजें हाईकोर्ट में पहले नहीं हो पाई सुनवाई, उन सारे तथ्यों को ध्यान में देखते हुए वहां पे फ्रेश सुनवाई होगी और सारी चीजों पर कार्रवाई। तो आशीष मिश्रा को एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, क्योंकि उनकी तरफ से ये दलील दी जा रही थी उनके वकील के माध्यम से कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही कैंसिल कर देगा बेल तो फिर हमें कौन देगा। तो एक मौका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप वहां जाइए, और हाईकोर्ट से भी कहा है कि सारे तथ्यों को देखिए, क्योंकि पिछला निर्णय जल्दबाजी में लिया गया, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, इसी बात जब आवाज उठी थी कि उन्होंने कहा कि जो है फिर सुप्रीम कोर्ट बेल कैंसिल कर देगा तो बेल कहां देगा, इस पर मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा था कि बहुत बेल यहां से कैंसिल हुए जिसको मजिस्ट्रेट ने बेल दिया है, ऐसा नहीं है। अब ये है कि सारे तथ्यों पर जो सुनवाई नहीं हो पाई थी, उन सारे तथ्यों पर सुनवाई होके ही बेल के बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि FIR जो दर्ज होती है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कि जो बदल नहीं सकती है, ये क्या सुप्रीम कोर्ट कहना चाह रहा था, क्या इस बात पर टिप्पणी करना चाह रहा था कि हाईकोर्ट ने FIR में लिखी हुई बातों को की एक तरह से विवेचना की और बेल दे दी, उस पर ये टिप्पणी थी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि हाईकोर्ट को जो है विवेचना नहीं करनी चाहिए, तो उनको बेल का एक लिमिटेड स्कोप उसको समझ के उनको बेल देना चाहिए था, इन्होंने अपने पावर का एक्सीड किया और उसके बाद ये बेल का प्रोसेस जो बेल दिया उस पर कोर्ट का ये मानना था कि ये बेल पूरी समझ के देना चाहिए। पीड़ित पक्ष को सुना नहीं गया, ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने? हाँ, तो यही इसीलिए उन्होंने कहा कि अब आगे जब सुनवाई होगी तो सारे तथ्यों को जो सुप्रीम कोर्ट में जिन तथ्यों को भी रखेंगे उसको हाईकोर्ट के सामने रखा जाएगा, और पीड़ित पक्ष की जो भी बातें होंगी वो सामने रखी जाएंगी, और उसके बाद एक जो निर्णय दिया जाएगा उस पे जो है बेल के बारे में कोई कार्रवाई। अब एक आखिरी सवाल आपसे, याचिकाकर्ता की हैसियत से भी और कानून के ज्ञाता की भी हैसियत से, लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि अब प्रक्रिया क्या रहेगी, आशीष मिश्रा को सरेंडर करना पड़ेगा कितने दिनों में, क्या उन्हें जेल जाना पड़ेगा, और अब जमानत पाने का कोई रास्ता है उनके सामने पास, और हाईकोर्ट किन बातों को देखेगा अब अपना आदेश देने से पहले, ये सारी बातें हमें बताएंगे। ये मैटर बड़ा हाई प्रोफाइल था, आपने जैसा देखा होगा कि अक्टूबर में जब ये कांड हुआ था उसके बाद जो आनंद फानंद में एक कमेटी बनाई थी राज्य सरकार ने, और जो है उनको बुलाया भी गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तब जाके उस मामले पे अमल शुरू हुआ, तब विक्टिम को सुविधा भी मिलनी शुरू हुई, विटनेसेस को जो है, नहीं तो उससे पहले कुछ नहीं था, लोग डर के मारे सर में पड़े हुए थे। लेकिन अब जो ये लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करके आज बेल कैंसिल किया है, इस पे अब जो भी हाईकोर्ट नीचे की कोर्ट होगी वो तो पूरी बातों को ध्यान में रखते हुए ही सारे निर्णय देगी।